नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब फैंटेस्टिक हो। मैं शर्मा अग्रवाल, आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस रैक पे। सो कैसे हैं सब, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। एक बहुत कॉमन मिथ मुझे दिखा तो मैंने चलो एक काम करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। कॉमन मिथ क्या था? कॉमन मिथ ये था कि सर एनडीए और नेवल अकेडमी मतलब समस्या पर है सर, नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी मतलब ये नहीं है कि सर मतलब क्या चल रहा है सर, क्यों कभी इधर से कोई जा रहा है, कभी इधर से कोई जा रहा है, कभी रॉकेट जा रहा है, कभी सैटेलाइट जा रही है, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, तुम सबको रॉकेट सैटेलाइट जो भी तुम्हारे उड़ रहे हैं सबको इकट्ठा करता हूँ, एक जगह लेकर आता हूँ। बेटा कंसेप्ट सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट क्या है, नेशनल डिफेंस अकेडमी भी एक अकेडमी है और नेवल अकेडमी भी एक अकेडमी है। पहली बात तो आप ये रखो, नेवल अकेडमी प्योरली डेडिकेटेड है इंडियन नेवी को। एनडीए के अंदर आप क्या करते हो, नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर आप कंबाइंड ग्रेजुएशन करते हो जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर डिसाइड करते हो कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है। उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी अपने आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए तैयार होते हैं, ऑफिसर बन के बाहर निकलते हैं पीओपी वगैरह होने के बाद, ठीक है। तो सर नेवल अकेडमी का कंसेप्ट क्या है, मैं बताता हूँ। एक एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है जिसको आप एनडीए कहते हैं, साल में दो बार होता है, एनडीए स्लैश एनए होता है। अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा हो तो वो जो एग्जाम होता है वो होता है एनडीए स्लैश एनए, एनडीए के साथ एनए भी एग्जाम हो रहा है। अब तो सर डिफरेंस ये है कि भाई अगर आपको सिर्फ नेवल अकेडमी में जाना है तो आप नेवल अकेडमी के लिए प्रेफरेंस डाल दीजिए, उसके एग्जाम से जो भी कट ऑफ, उसके हिसाब से जो भी कट ऑफ, जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसको क्लियर करिए और सीधा आप नेवल अकेडमी जाइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है एआईआर 75 सुमित बिजलवा, तो उसने जब एनडीए का फॉर्म भरा था उसने प्रेफरेंस ही नेवल अकेडमी को दी थी। उसने कहा सर मुझे एनडीए जाना ही नहीं तो मैं सीट क्यों खाऊं। मैंने कहा बहुत समझदारी वाली बात है, मैंने कहा कहां जाना है, बोलता सर नेवल अकेडमी जाना फिक्स है, नेवी जाऊंगा, व्हाइट यूनिफॉर्म चाहिए, जिद है तो चाहिए। मैंने कहा बहुत बड़ा, उस बंदे ने क्या करा प्रेफरेंस ही नेवल अकेडमी को दी, ठीक है। जीएटी के पेपर में 450 प्लस मार्क्स लिया, मैथ्स के पेपर में ठीक ठाक स्कोर कर लिया, एनडीए निकाल लिया, ऑल इंडिया रैंक 75 बन के बैठ गया। आज की डेट में वो नेवल अकेडमी के अंदर ट्रेंड हो रहा है बंदा हमारा, वो फौजी बनने को तैयार है भाई साहब, वो ऑफिसर बनने को तैयार है, ठीक है। तो अगर सिर्फ नेवी है आपके लिए प्रेफरेंस में कि हाँ मुझे नेवी जाना है तो नेवल अकेडमी आप ऑप्ट कर सकते हैं। नो डाउट इसमें जो कट ऑफ का सिस्टम होता है वो कम होता है, एनडीए के लेवल पे उससे नीचे होती है। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और मिथ होगा कि भाई एनडीए की कट ऑफ अगर आप नहीं क्लियर कर पाए और आप एनए के लिए एलिजिबल हो तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में एनए में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने एनडीए के कट ऑफ क्लियर कर लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया लेकिन मेरिट में नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश, हो सकता है, और आप एनए के लिए यानी नेवल अकेडमी के लिए एलिजिबल हो तो आपका नाम नेवल अकेडमी में आ जाएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो पहले एनडीए निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिकमेंड हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन नेवल अकेडमी की मिलने की वजह से वो एनडीए ज्वाइन नहीं कर पाए। उनका मन था आर्मी में सब करना लेकिन वो नेवी में सब करना नहीं चाह रहे। आज की डेट में वही लड़का ऑल इंडिया रैंक 2 बन के आईएमए में ट्रेनिंग कर रहा है, मेरा स्टूडेंट है, तो ये चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ नेवल अकेडमी और एनडीए में जो भी बेसिक डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। इसी के साथ मुझे आ गया था गाइस, ऐसी तमाम सारी वीडियोस, ऐसी तमाम जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको देता रहूंगा। घबराए नहीं, साथ चलते रहें, साथ रहें, सबके साथ रहें, सबके साथ सबका विकास हम लोग करने वाले हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, अभी तक डिफेंस ट्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इसी के साथ बाय बाय।